यहाँ पर ये हादसा हुआ है। पुलिस ने ड्राइवर को रात ही को यहाँ से ले गए थे जीएमसी में, और उसके बाद जो उसका पेपर जितना भी कागज थे गाड़ी के वो भी इन्होंने अपने पास रख लिए थे। और मैं आपको बताऊं कि जो ट्रॉला है ये टाइल से भरा हुआ है। यहाँ पे कई सारे गोदाम हैं अंदर, जो अंदर के इलाकों में यहाँ पर बनाए गए हैं, खासतौर पे मार्बल मार्केट में जितने भी बड़े टाइल और मार्बल के शोरूम हैं उनके गोडाउन हैं यहाँ पर बहुत सारे। तो उन गोडाउन्स के जो माल लगातार उतरता रहता है, और ज़्यादातर जो ट्रॉलाज हैं वो रात के समय ही आते हैं। लेकिन शायद यहाँ पर ये हो सकता है, जिस तरह से ये आप नीचे निशान देख रहे हैं, यहाँ से एक तरफ से ये ट्रक जो है वो नाले में जाके जो है वो स्लिप हुआ है, और उसके साथ ही पूरा जो ट्रक का अगला पोर्शन था वो भी सारा पलट गया, और इस मकान जो घर देख रहे हैं आप इसके साथ जाकर टकरा गया ये। तो लोग घबरा गए थे, लोग जो थे वो उनको ये लगा कि शायद अर्थक्वेक आ गया। हमने कुछ लोगों से बात भी की थी, लेकिन एकदम से यहाँ पर जो है लोग वो घबरा गए कि हुआ क्या है। तो साफ तौर पर ये भारी भरकम ट्रक है, ये पलटा है। हालांकि गनीमत की बात रही कि कोई और इसकी जद में नहीं आया, रात का समय था, 11 बजे वक्त बताया जा रहा है, कोई और इसकी जद में नहीं आया, जिस वजह से यहाँ पर कोई बड़ा हादसा होते होते बच गया। और ये जो ट्रक है ये इस ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर भी लोग रहते हैं, नीचे शॉप भी हैं। तो जब यहाँ पे पलटा तो ये बिल्कुल एक तरफ हो गया हुआ है। जो लोकल लोग हैं वो घबरा गए। अब यहाँ पर जो इंजन है गाड़ी के, इंजन से ऑयल भी निकला हुआ है बाहर, और लोग घबराए हुए हैं। आंटी जी क्या नाम है आपका? उमा देवी। उमा देवी जी मुझे बताइए कितने बजे ये ट्रक पलटा था रात को? ये कोई 11 बजे। 11 बजे हाँ। आपका यहीं पे रहते इसी बिल्डिंग? हम ऊपर रहते थे, सोए थे हम। अच्छा। बच्चे भी सोए थे, हम भी सोए थे। जब हमने ट्रक बजा ना, मकान हल्ला ना पूरा, हमने उठा देखा तो ट्रक साथ में जल्दी जल्दी में नीचे आ गए सारे। उधर से नीचे आके आकर ड्राइवर को देखा, वो बैठा हुआ था ऐसे करके, और उसको निकाला, दो तीन बंदे और आ गए, उन्होंने ऊपर से शटर खोला, निकाला उसको, उसको टांग को चोट लगी है, पर लगी है चाहे नहीं लगी, वैसे उसको उठना नहीं हो रहा था। अच्छा, नहीं, उसके इस गली में पहले भी इतने बड़े बड़े ट्रॉल आते हैं? पहली बार ये घुस रहा था अंदर? नहीं आते हैं, आते हैं मगर दिन दिन को आते हैं, मगर इतना बड़ा नहीं आया कभी। अच्छा। ये 16 टायर वाला ट्रॉल है, फुल है, बिल्कुल फुल है। नाला जो खुला हुआ है, यहाँ पे पहले भी कई बार हादसे हुए हैं, कोई लोग वगैरह गिरते हैं, गाड़ियाँ वगैरह? नहीं नहीं, पहली बार गाड़ी गिरी है, बड़ी बड़ा ट्रक जो है पहली बार। ये पहली बार। लेकिन अगर ये नाला कवर होता तो शायद ये हादसा नहीं गिरता। नहीं होता, ये कवर होता तो नहीं गिरता। इसको जाली लगाओ चाहे कुछ करो, इसका करो, आज ये हुआ है कल फिर भर जाएगा, कोई बच्चा, कोई किसी का बाप, किसी का कुछ भी है कि बहन का भाई कोई मर जाएगा ऐसे पढ़ के, तो इसका कोई फैसला नाले का भी। पुलिस कितनी देर के बाद आई थी जब ये ट्रॉला गिरा था? क्या आप लोगों ने बुलाया था या खुद आ गए थे? नहीं हमने नहीं बुलाया था, किसी और ने बुलाया, और पता नहीं हमने नहीं बुलाया था, वो खुद ही आए गए थे। तो रात को फिर एकदम से लोग इकट्ठा हो गए होंगे सारे जब ये? हाँ, लोग काफी हुए थे, काफी हुए थे। आपके यहाँ पे ये घर बिल्डिंग को नुकसान तो नहीं पहुँचा है? ऊपर नहीं, अभी हल गई है थोड़ा, ये थोड़ा दोबारा है, बाहर से हो गया है, मगर अंदर से थोड़ा बच गया है, पूरा हिल गया है। हाँ पूरा हिल गया, मकान पूरा हिल गया है। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कितना लोड होगा इस ट्रक में। हालांकि ये चल नहीं रहा था, मुड़ते मुड़ते टर्न होकर नाले में गिरा है, जिस वजह से पूरा लोडेड ट्रक था ये, पूरे इसलिए मकान के साथ इसकी जो बैक है वो लग गई बॉडी पूरी। और एक बार नंबर मैं आपको फिर बता दूँ, राजस्थान का नंबर है, टाइल है इसमें, और इस ट्रक का नंबर है RJ07GC3530। और ये टाइल लेकर यहाँ आया था, जैसे मैंने पहले बताया मार्बल मार्केट है यहाँ पर, बहुत सारे टाइल्स और मार्बल के जो हैं स्टोर्स हैं, जो हैं शोरूम गोडाउन है, तो इस तरह के ट्रॉला जो हैं वो आते रहते हैं। लेकिन इस संकरी गली में जाकर यहाँ पर ये टर्न लेने की कोशिश कर रहा था, रात का समय था, और शायद इससे कंट्रोल नहीं हुआ, जिस वजह से पूरा का पूरा खुला नाले में गिर गया, और जिसमें चालक जो है जो घायल हुआ है, हालांकि उसका उपचार चल रहा है, लेकिन कोई बड़ी दुर्घटना है वो नहीं हुई। लेकिन इस इलाके में जो खुला ये नाला है, साफ तौर पर यहाँ पे दिख रहा है कि अगर ये नाला कवर होता तो शायद ये ट्रक जो है एकदम से पलटता नहीं, थोड़ी सपोर्ट ट्रक को मिल जाती। हालांकि जो नाले का ऊपर का जो कवर किया हुआ सीमेंटेड पोर्शन होता है वो भी इतना मजबूत नहीं होता है कि इस तरह के भारी भरकम ट्रॉला को जो है वो उसका वेट उठा सके, लेकिन अगर होता तो शायद ये पलटता नहीं और इस बिल्डिंग को जो है इसको नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अब जब रात से ये ट्रक गिरा हुआ है और लोग जो ये कह रहे हैं कि जो उसका इंजन ऑयल जो बिखरा हुआ है या फिर जो डीजल लीक कर रहा है, तो यहाँ पर कोई चिंगारी लगा के इसको आग ना लगा दी, ये डर अभी लोगों को बना हुआ है। और इसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि इसको जो पुलिस प्रशासन या फिर जो भी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है
वो इसे तुरंत हटाएं। देखिए अब काफ़ी बड़ा ये ट्रॉला है, भारी भरकम ट्रक है, ट्रॉला है, और ये खुले नाले में, और यहाँ से नाला ये बिल्कुल खुला है। हालांकि जिन जिन के घर हैं उन्होंने कवर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये पोर्शन पूरा खुला था और बिल्कुल टर्न करते हुए, यार आगे से देख भी सकते हैं, टर्न करते हुए ये यहाँ पर गिर गया और जिस वजह से ये हादसा पेश आया। अभी भी एक जो ट्रक है वो अनलोड हो रहा है, टाइल से भरा हुआ है, लेकिन वो छोटा ट्रक है, गोडाउन काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर ये इस हादसे को पेश आया है रात के समय का। हालांकि कोई हादसा, मतलब कोई जो लोकल लोग हैं वो इंजर्ड नहीं हुए हैं, ड्राइवर है उसे उपचार के लिए ले जाया गया है, लेकिन वो भी ज़्यादा गंभीर रूप से घायल नहीं है। पलट गया था, गाड़ी तेज़ नहीं थी तो उसकी वजह से। हालांकि यहाँ पर जो है लोग वो इसको देखने ज़रूर आ रहे हैं यहाँ पर क्या क्या पूरा मंजर हुआ है। अब पुलिस के ट्रैफिक कर्मी भी आए हैं यहाँ पर, और वो अब आगे क्रेन्स बुला के इस ट्रक को सीधा करके इसको यहाँ से हटा देंगे। लेकिन ये नाला यहाँ पर ये कवर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम लोग, चाहे वो चार पहिया वाले चालक हों, दो पहिया वाले हों, या कोई भी हो, वो इस खुले नाले का कभी भी जो है वो शिकार बन सकता है। तो इसका प्रशासन, यहाँ का जो लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो इसको ज़रूर संज्ञान में लेते हुए यहाँ ज़रूर कवर करे, ताकि आगे कोई इस तरह का हादसा ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।